Good morning, friends. Today we are going to study the concept financial planning and financial management. Business studies के part A में आपने management या concept समझा. इसमें किसी भी manager को किसी भी चीज को manage करने के लिए 5 functions करने होते हैं, जैसे planning, organizing, staffing, directing and controlling. Means planning is a part of management. इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट. किसी भी फाइनेंस ऑफिसर को फाइनेंस मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी. सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग. नाउ व्हाट इज दिस फाइनेंशियल प्लानिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर finance requirement of a business and identifying the sources of finance. इसका मतलब financial planning में हम future में लगने वाले finance की money की requirement को estimate करते हैं और इस estimation के हिसाब से हमें जो funds की जरूरत है उसके लिए कौन कौन से sources available है वह identify करते हैं. अब finance के लिए कौन से sources available है? जैसे owner's money, which includes equity share capital, preference share capital, retained earning. इसके अलावा borrowed money, जैसे debenture, bonds, bank loan, creditors, bank overdraft. तो हमने अपने funds की requirement के हिसाब से हमारे पास कौन-कौन से sources available है, सबसे पहले वह identify किया. This is the job of finance officer under financial planning. Now, what is this financial management? It aims at choosing the best investment and financing alternative by focusing on their cost and benefit. Choosing the best investment, आपने investment decision पढ़ा, which includes working capital and the capital budgeting. तो finance officer सबसे पहले ये decide करेगा कि उसे जो funds चाहिए वो day to day expenses working capital के लिए चाहिए या फिर लॉन्ग पीरियड कैपिटल एसेट्स परचेज करने के लिए चाहिए. अब इसके लिए जो सोर्सेज हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें से बेस्ट सोर्स को फाइनेंस ऑफिसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चूज करेगा. इस सोर्स को चूज करने के लिए वह इन सोर्सेज के कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करेगा. यह भी आपने फाइनेंसिंग डिसीजन में समझा है. नाउ The financial planning aims to match fund requirement with their availability. इसका मतलब फाइनेंस ऑफिसर एक ब्लूप्रिंट बनाता है, ड्राफ्ट करता है कि उसे जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो ऑप्टिमम क्वांटिटी में हो, करेक्ट टाइम पर अवेलेबल हो. फाइनेंशियल मैनेजमेंट aims to increase the shareholders' wealth. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ? इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स. यह भी हमने पहले देखा कि यदि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली करेंगे, यदि हमने अपने फाइनेंस के ऑप्शंस को करेक्ट सिलेक्ट किया, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इज करेक्ट, इट विल इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स. मीन्स मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. इसका मतलब हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत साउंड होने चाहिए. नाउ द फाइनेंशियल प्लानिंग कैन बी फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पीरियड. लॉन्ग टर्म पीरियड फाइनेंशियल प्लानिंग इट इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, मीन्स कैपिटल बजटिंग, द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स विच इज डन फॉर 3 to 5 ईयर्स. अब यह हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें किसी भी एसेट को परचेज करने के लिए जो फंड चाहिए वह करेक्ट टाइम पर करेक्ट क्वांटिटी में अवेलेबल होने चाहिए. ना तो हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज होनी चाहिए और ना ही वह एक्सेस होने चाहिए. देन द फाइनेंशियल प्लानिंग मे बी फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड ऑल्सो. इट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. हम जो मशीन परचेज करेंगे उसे चलाने के लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत है. एंड दिस मनी इज रिक्वायर्ड फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. द एग्जांपल इज बजट.
Now we take one more example. फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फाइनेंस ऑफिसर सबसे पहले सेल्स फोरकास्टिंग करेगा. मान लीजिए वह 1 month में 1 lakh यूनिट सेल करना चाहता है. अब वह यह एस्टिमेट करेंगे कि इन यूनिट्स को सेल करने के लिए उसे कितने फिक्स्ड एसेट्स और कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी. अब इस टोटल फाइनेंस रिक्वायरमेंट में से कितना अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग में से अरेंज हो सकता है और कितना उन्हें आउटसाइडर से अरेंज करना है. अब ये जो आउटसाइडर से मनी अरेंज करनी है उसके लिए कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल है, उसमें से वह उन सोर्सेस को कंपेयर करेंगे. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. नाउ वी सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड. हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें जब भी फंड्स की जरूरत हो तो वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें. तो हमारा फाइनेंशियल प्लान इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए. द सेकेंड इज टू एंश्योर दैट अननेसेसरी फाइनेंस इज नॉट रेस्ड. अननेसेसरी फाइनेंस यानी कि हमारे पास फंड्स आइडल पड़े हैं तो उसकी कॉस्ट हमारे लिए इंक्रीज होते जाएगी. यदि हमारे पास शॉर्टेज है ऑफ फंड्स है तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होते जाएगा. सो हमारे पास अननेसेसरी फाइनेंस नहीं होना चाहिए. जितनी जरूरत है उतने फंड्स हमेशा करेक्ट टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. नाउ वी सी इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. द फर्स्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी को हेल्प करती है कि वह फ्यूचर प्लान्स ड्राफ्ट करें. जैसे कंपनी ने सपोज एक्सपेक्ट किया है कि फ्यूचर में उनकी 20% इंक्रीजिंग सेल्स होगी. अब जरूरी नहीं है कि 20% ही होगी, हो सकता है 10% ग्रोथ हो या 30% ग्रोथ हो. तीनों ही सिचुएशन में कंपनी के एक्सपेंसेस अलग अलग होंगे. अब एक इंटेलिजेंट फाइनेंस ऑफिसर को इन तीनों सिचुएशन को टैकल करने के लिए रेडी रहना चाहिए. इसका मतलब उसे इन सोर्सेज का अरेंज करना चाहिए ताकि वह इन तीनों सिचुएशंस में अपने फंड्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज करे, फंड्स का ना वेस्ट हो ना वे आइडल रहे. द सेकेंड इज हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्लस. द फ्यूचर इज अनसर्टेन तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि कोई अनसर्टेन इवेंट हो, इमरजेंसी हो, तब भी हम उसे फेस कर सके. द थर्ड इज हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शंस. बिजनेस में वेरियस फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होती है जैसे प्रोडक्शन एंड सेल्स. तो इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है फाइनेंशियल प्लानिंग बाय प्रॉपर पॉलिसी एंड प्रोसीजर. द फोर्थ इज प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग. प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स अवॉइड होते हैं, गैप्स, वेस्ट ऑफ मनी अवॉइड होता है. द फिफ्थ इज हेल्प्स टू लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर. वी ऑलवेज मेक प्लान्स इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर. सो फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी प्रेजेंट कंडीशन को हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के साथ लिंक करती है. द सिक्स्थ इज प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस. फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन को भी लिंक करती है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन. हमें फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल के लिए कितने फंड्स चाहिए एंड फाइनेंसिंग डिसीजन इस रिक्वायरमेंट के लिए हमें ओनर्स मनी यूज करनी चाहिए या डेट, इनका प्रपोर्शन क्या होना चाहिए. सो फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक्स आर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस. द सेवेंथ इज मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर. अब मार्केट में हमारे बिजनेस के बहुत से सेगमेंट्स होते हैं विच डिपेंड्स ऑन द वैराइटीज ऑफ आर प्रोडक्ट एंड द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट. हर मार्केट सेगमेंट, हर बिजनेस सेगमेंट का हमारा क्या परफॉर्मेंस है उसे इवैल्यूएट करना, डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को कंपेयर करना और फ्यूचर के लिए करेक्ट डिसीजन लेना, इन सभी को इवैल्यूएट करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी हेल्प करता है.
I hope you have understood the concept of financial planning. If you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you.